हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के चार किंगडम हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। ये मैंने इसके बेसिक फीचर्स पहले भी बताए थे कि इसका जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ज्यादातर ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हेटरोट्रॉफिक ही हो, कुछ पैरासिटिक वगैरह भी होते हैं। अब सिर्फ मल्टी सेलुलर होना इनके लिए वो नहीं है, मल्टी सेलुलर में भी कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं ये। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट बना रखा है। इस चार्ट से हमारे जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं आगे, उनके बहुत सारे पॉइंट्स इसी चार्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले मैंने दे रखा है किंगडम एनिमेलिया, जो कि मल्टी सेलुलर होता है। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर इसका फीचर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में भी डिफरेंसेस शो करता है, मैंने बताया। तो यहाँ पर पहला लेवल होता है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल हैं वो एग्रीगेट होते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनका जो पैटर्न होता है ना, सेल का जो पैटर्न होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एकदम सेम नहीं होता है, थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह से होंगे, एक सेल ऐसा होगा तो एक सेल ऐसा बन जाएगा, फिर एक सेल ऐसा होगा तो एक सेल ऐसे बन जाएगा। इस तरीके की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, जो इनका पैटर्न होता है इसी तरीके से। और आगे भी सेलुलर लेवल में मतलब सेल एग्रीगेट होते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा होता है हमारा ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में सेल जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो टिश्यू में अरेंज हो जाती हैं। सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और टिश्यू में अरेंज कर दिया जाता है इनको। फिर है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल जो होता है वो इसमें दो या दो से ज्यादा टिश्यू, दो ही टिश्यू और एक मिलकर के एक ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन का मतलब है डाइजेस्टिव ऑर्गन वगैरह, ये सब चीजें बना लेते हैं। अब ऑर्गन तो बन गया, यहां पर बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गन जैसे कि हार्ट तो बन गया है, लेकिन सर्कुलेशन करना पड़ेगा उसको, तो वो चीज ऑर्गन सिस्टम में आएगी। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम में जो भी हमारा मेन ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा यहां पर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सेल्यूलर लेवल होता है ना, वो पोरीफेरा के अंदर होता है सिर्फ, और किसी में नहीं होता। ये सारे हमारे फाइलम हैं जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बहुत सारे फीचर्स हैं जो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, वो मैं आगे नहीं बताऊंगी, इसलिए यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पोरीफेरा में। उसके बाद टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम मैंने यहाँ ऐसे दिखा दिया है, लेकिन जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो सिलिंट्रेटा में होता है। टिश्यू लेवल जो है वो सिलिंट्रेटा में होता है, और ऑर्गन लेवल जो है प्लैटी हेलमेंथिस में होता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक, यहां से बीच में जो भी आते हैं नेमाटोड एस्केलमेंथिस एक ही होता है, तो यहां से लेकिन यहां तक जो लास्ट हैं वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहां पर सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सिमेट्री तो हम पढ़ते ही हैं, जो हम किसी चीज को दो आइडेंटिकल हाफ्स में सेपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो एसिमेट्री का मतलब होता ही है कि हम जैसे दो आइडेंटिकल हाफ्स में सेपरेट नहीं कर सकते, वो एसिमेट्री होता है। एसिमेट्री पोरीफेरा के अंदर होती है। फिर उसके बाद दूसरी होती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में वो एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम दो आइडेंटिकल हाफ्स में सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ वर्टिकल प्लेन में, मोर देन वन वर्टिकल प्लेन चल जाएंगे, लेकिन सेंटर से ही पास करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर सेंटर है हमारा, तो हम उसे सिर्फ वर्टिकल में ही काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं काट सकते हैं। भले ही एक आध दो वर्टिकल हो जाएगा चलेगा, मोर देन वन वर्टिकल चल सकता है रेडियल में। फिर उसके बाद बायलेटरल जो होता है, बायलेटरल में भी हम लोग एनिमल्स को सेपरेट कर सकते हैं दो आइडेंटिकल हाफ्स में, लेकिन यहां पर सिर्फ सेंटर से एक ही वर्टिकल प्लेन को हम लोग पास कर सकते हैं एक ही बार, मतलब उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जो एसिमेट्री होती है वो पोरीफेरा के अंदर होती है, जो रेडियल सिमेट्री होती है वो इसमें होती है नाइडेरिया सिलिंट्रेटा या टीनोफोरा नाइडेरिया में आता है। और इसके अलावा रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया में होती है। उसके बाद जो बायलेटरल सिमेट्री है वो इन सब में होती है, प्लैटी हेलमेंथिस से ये लास्ट तक जो है सब में बायलेटरल होती है। लेकिन एक काइनोडर्मेटा जो होता है ना,
उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। मैं यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ। ये चार्ट थोड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि याद हो सके। ठीक, तो ये सारे फीचर्स हो गए। ये सीलोम रह गया। सीलोम जो होती है वो बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि मैं बताती हूँ बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि एक हमने ये बनाया है और यहाँ पर तीन वॉल्स होती हैं, ये लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स इसको मैं कह सकती हूँ। जैसे कि ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म और यहाँ पर ना एक गट वॉल होती है, ये ना गट वॉल होती है और यही हमारी एंडोडर्म भी होती है। मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं, बस रफली बन रहा ही हूँ ताकि समझ में आ सके। तो ये जो ये बॉडी वॉल्स हैं, ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो ये कैविटी होती है इसको बोलते हैं हम लोग सीलोम या फिर कैविटी। तो ये यू सीलोमेट है यहाँ पर, जो कि ट्रू सीलोम एकदम कैविटी जो प्रेजेंट है यहाँ, तो ये ट्रू सीलोम है, इसे यू सीलोमेट कहते हैं। यू सीलोमेट कौन से फाइलम्स में आता है, देखिए ये रहा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉडेटा। इसके अलावा जिनमें सीलोम होती ही नहीं है, जिनमें कैविटी होती ही नहीं है, वो ए सीलोमेट कहलाते हैं। वो आता है पोरिफेरा, नाइडीरिया और प्लैटीहेलमैंथिस में। उसके बाद एक सियोडो होती है, सियोडो मीन्स फॉल्स होता है, फॉल्स सीलोम होती है, वो एस्केलमेंटिस में पाई जाती है। एक और चीज होती है यहाँ, जर्म लेयर्स होती हैं, यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीनों लेयर्स होती हैं। अगर कहीं पर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर्स जो हैं, दो ही जो है ये लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो ड्रिप्लोब्लास्टिक होती है ना वो पोरिफेरा और नाइडेरिया में होती है, पोरिफेरा और नाइडेरिया इनमें होती है डिप्लोब्लास्टिक। जगह ही नहीं बची। फिर इसके बाद बाकी जो ये सारे हैं प्लैटीहेलमैंथिस से लेके लास्ट कॉर्डेटा तक, इनमें जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसमें कि तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये यहां से लेके जो लास्ट तक आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप कि आपको सारे ये फीचर्स समझ में आए हों, और ये सारे फीचर्स हमें सारे फाइलम में ऐड करने होते हैं, एक ही बार में याद कर लिया जाएगा ये चार्ट के जरिए से। अब उसके बाद हम आते हैं और चीजें पढ़ेंगे हम फाइलम पोरिफेरा के अंदर। पोरिफेरा क्या होता है कि पोरिफेरा का मतलब ही पोर से समझ लीजिए, पोर्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, दे रखा है ना पोरी, पोर्स होते हैं इसकी जो पूरी बॉडी होती है ना उस पर पोर्स होते हैं, बॉडी पे पोर्स होते हैं, और जो ऊपर का एकदम पार्ट होता है ना वहां पर एक थोड़ा बड़ा पोर दे देते हैं ये लोग, उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, वहां से कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह में वो हेल्प करता है। तो दे रखा है यहाँ पर कि ये ज्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन होते हैं, पोर्स इनमें जो पोर्स होते हैं बॉडी पर उसे ओस्टिया कहते हैं, और पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं ये, इसमें एक ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ, अभी बताया मैंने ऊपर की तरफ ऑस्क्यूलम कहते हैं उसको, ये रहा ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऐसे होते हैं जैसे साइकॉन का डायग्राम होता है ना कुछ, तो वहां पर ऊपर इस तरीके से कुछ ओपनिंग दे रखी होती है ये इस तरह से, तो इसको ना ऑस्क्यूलम कहते हैं, तो मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। पोरिफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, और इसके अंदर वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में नीट वगैरह में ये पूछा जाता है, और एनिमल डाइवर्सिटी से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके फीचर्स को लेकर, जैसे कि यहाँ ये हमने पढ़ा तो ये सब बहुत पूछा जाता है कि किसमें क्या सिमेट्री होती है, क्या बॉडी कैविटी होती है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है किसका, ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिशन वगैरह में, एमसीक्यूज में तो बहुत ही सवाल बनते हैं एनिमल डाइवर्सिटी से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पोरिफेरा,
एग्जाम्पल है यहाँ पर स्पॉन्जुला, साइकॉन, यूप्लैक्टिला। लैब में भी कभी दिखाते हैं तो यूप्लैक्टिला जो होता है ना, वो जैसा बताया इसमें पोर्स होते हैं, यूप्लैक्टिला बिल्कुल ऐसा होता है जैसे वो नेट का कपड़ा होता है ना, उसमें नेट जो होती है, होल्स होते हैं उसमें, वही बिल्कुल उस टाइप की सी होती है यूप्लैक्टिला। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सिलेंट्रेटा पर, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है ना वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप का सा होता है, कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है पॉलिप का, और जो मेड्यूसा होता है वो ऐसे अम्ब्रेला शेप होता है। तो पॉलिप जो होता है वो मूव नहीं कर सकता, वो नॉन मोटाइल होता है और सॉलिटरी भी, अकेले भी हो सकता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकता है, और हमेशा फिक्स रहता है। ये पॉलिप जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, और मेड्यूसा जो होता है वो एकदम फ्री स्विमिंग है, एकदम अपोजिट पॉइंट है इसका ये, कि ये फ्री स्विमिंग होता है। फिर कॉलोनियल फॉर्म्स में पॉलिप और मेड्यूसा जो है ना वो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे, पॉलिप और मेड्यूसा उसकी लाइफ साइकिल में एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, इसलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कौन सा फाइलम शो करता है, तो वो सिलेंट्रेटा शो करता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स वगैरह। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट प्लैटी हेलमेंथिस। प्लैटी हेलमेंथिस, यहाँ पर प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथिस का मतलब होता है वॉर्म, तो इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, और ये फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक होता है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि, सॉरी आज आवाजों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम थे हर्माफ्रोडाइट पर। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल, वो एनिमल्स जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों ही सेक्सेस एक ही में होते हैं। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वॉर्म वगैरह। फिर है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस यहाँ पर फ्लैट, इसका मतलब था फ्लैट वॉर्म, और यहाँ पर एस्केलमेंथिस में होता है स्केल का मतलब होता है राउंड, और मेंथिस का मतलब वही वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये कुछ सर्कुलर राउंड से होते हैं, घूमे हुए से कुछ, तो इसको कहते हैं राउंड वॉर्म। ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, और यहाँ पर सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। कभी सुना हो आपने एक डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, ये इसकी वुकेडेरिया बोनक्राफ्टी इसकी वजह से होती है, ये इसकी इस नेमाटोड्स की वजह से होती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसमें जो लेग्स और जो थाई वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये। खैर इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा फ्रेश वाटर मैरीन में पाया जाता है, लैंड पे भी हो सकता है, मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकता है। इसमें ना सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स का मतलब जो ये अर्थ वॉर्म बनाते हैं ना, कुछ इस वे में बनाते हैं, ऐसे करके ये बनाते हैं, तो ये इसको सेगमेंट्स कहते हैं। ये बहुत बड़ा मोटा हो गया, ये सेगमेंट्स कहते हैं इसको। तो इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ये इसमें सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, और ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है लीच, नारिस, अर्थवॉर्म, ये तो आपने देखे भी होंगे, अर्थवॉर्म और लीच वगैरह। फिर है नेक्स्ट हमारे पास आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रो मींस होता है जॉइंटेड, और पोडा मींस लेग्स, इसकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम होता है ये, पूरे 10 फाइलम में लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। सभी जगहों पर मिल जाता है, ये हमारे घरों में भी मिल जाता है, मैरीन लैंड सॉइल कहीं भी मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज होने का क्या मतलब होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होने का मतलब होता है कि जिसमें कि ब्लड का जो फ्लो है वो ब्लड वेसल्स में कम्प्लीटली प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाता है, और वही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली होता है ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होता है ब्लड वेसल्स में। यहाँ पर जो कैविटी होती है, यूसिलोमेट होते हैं ना ये, तो इनमें जो कैविटी होती है वो ब्लड से फिल हो जाती है, इसलिए उस कैविटी को हम हीमोसील कैविटी भी कहते हैं।
और जॉइंट लैग्स होती हैं, ये मैंने बता दिया था। एक्सोस्केलेटन की काइटिनियस होती है, काइटिनिक सब्सटेंस होता है, पॉलीसेक्राइड में होता है ये। इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल दे रखी हैं, प्रॉन्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, क्रैब्स और इंसेक्ट्स। सबसे कॉमन है इंसेक्ट, कभी भी इंसेक्ट देखिएगा ना तो उसकी लैग्स हमें जॉइंटेड मिलेंगी, तो समझ में आ जाएगा उससे। फिर है हमारे पास नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड तो नहीं होती है, पर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऑक्टोपस तो देखा ही होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा नजर आता है देखने में। इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो कवर्ड होती है शेल से, इसे कैलकेरियस शेल कहते हैं। शेल एक नॉर्मली भी शेल होती है, वो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, इस तरीके से होती है, कुछ ठीक से नहीं बना रही हूं मैं, ऐसे होती है इनमें यूं कर करके ये ऐसे बना हुआ होता है कुछ सेगमेंट्स की तरीके से शेल। इसी तरीके की शेल होती है स्नेल वगैरह पे, उसको ना कैलकेरियस शेल कहते हैं। एग्जाम्पल है स्नेल और ऑक्टोपस। तो यहाँ हो गया मोलस्का। मोलस्का के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो में क्या होता है, इकाइनो मीन्स होता है स्पाइनी और डर्मेटा मीन्स स्किन। इनके वर्ड से ही इनकी फीचर समझ में आ जाएंगे कि स्पाइन स्किन तो आ जाएगा। इसको स्पाइनी स्किन एनिमल भी कहते हैं, स्पाइनी स्किन एनिमल कहते हैं इसको। ये फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स होता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है, फिर उसे कैप्चर करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अब देखिए, हमने पढ़ा था पोरीफेरा जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता था और इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम करता है। दोनों का दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इकाइनोडर्मेटा की एग्जाम्पल है यहाँ पर स्टार फिश, सी कुकम्बर और ब्रिटल स्टार वगैरह। स्पाइन्स होते हैं इनकी स्किन पर, डायग्राम देखिएगा तो, या फिर प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं तो एकदम ऐसे ऊपर थॉर्न्स की तरह से बहुत सारे निकल रहे होते हैं स्टार फिश वगैरह पे। फिर है हेमिकॉर्डेटा। लास्ट नहीं, इसके बाद कॉर्डेटा भी है। हेमिकॉर्डेटा जो होता है, हेमी मीन्स होता है आधा, सेमी, और फिर कॉर्डेटा तो कॉर्डेटा, उसे आधा कॉर्डेटा कहेंगे। इसकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है एंड कम्पोज ऑफ प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। प्रोबोसिस इनकी नोज का जो पार्ट होता है, बहुत बड़ी सी नोज होती है, जैसे कि एलिफेंट है तो उसमें हम लोग उसे प्रोबोसिस कहेंगे। मोस्टली मैरीन होते हैं ये, और इनका प्रोबोसिस जो ग्लैंड जो होती है उसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। एग्जाम्पल में आएगा बेलेनोग्लॉसिस। इसके बाद जो है हम लास्ट, हमारा जो फाइलम बचा है अभी वो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा थोड़ा सा बड़ा पार्ट है इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।